अमेज़ॉन में स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अमेज़ॉन लाइक सबसे बड़ा वेयर हाउस माना जाता है यूके में। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने इंडियन विला में। और आज मैं डिस्कस करने जाऊंगा कि आज की तारीख में काफ़ी स्टूडेंट लोग जो अलग अलग कंट्री से यूके में स्टडी के लिए आ रहे हैं, सो उनके लिए, और ऑब्वियसली क्योंकि अभी यूके में स्टूडेंटों के लिए स्कोप काफ़ी बढ़ गया हुआ है बिकॉज ऑफ द वर्क परमिट। आफ्टर स्टडी आपको वर्क परमिट अभी मिल जाता है, सो उसके लिए मैं डिस्कस करने जाऊंगा कि स्टूडेंटों के लिए सबसे बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी यूके में अभी क्या है। अभी बहुत सारी जॉब आपको यूके में मिल जाएगी, बहुत सारी कंपनी में रिक्वायरमेंट भी है। लाइक स्टूडेंट को ऑब्वियसली सबको पता ही होगा कि 20 आवर्स पर वीक वो लोग जॉब कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी जगह में, काफ़ी कंपनी में जो स्टूडेंटों के लिए एज अ पार्ट टाइम जॉब मिल जाता है, मैं यही प्रीफर करूँगा कि जो लोग भी स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं वो सबसे पहले कंपनी में ही ट्राई कीजिए, ठीक है। और मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ सबसे बेस्ट कंपनी इन द यूके लाइक अमेज़ॉन, ठीक है। अमेज़ॉन में स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अमेज़ॉन लाइक सबसे बड़ा वेयर हाउस माना जाता है यूके में। और अमेज़ॉन का वेयर हाउस यूके में ऑलमोस्ट आपको बड़ी बड़ी सिटीज़ में मिल जाएगा, और जो स्टूडेंट आएंगे वो लोग ऑब्वियसली जो जो सिटी में जाएंगे होप सके वहाँ पर अमेज़ॉन का वेयर हाउस, उस यहाँ पर FC बोलते हैं लाइक फुलफिलमेंट सेंटर, वो होता ही है। स्टूडेंट यहाँ पे आने के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा बहुत वर्क स्टार्टिंग में ख़त्म हो जाने के बाद सबसे पहले आप नॉर्मल अपना CV बना लीजिए, या CV में आपका इंडिया का एक्सपीरियंस या किसी भी कंट्री में हो वहाँ का एक्सपीरियंस हो, वहाँ का थोड़ा बहुत भी स्टडी हो ऐड करके CV, बेसिक CV बना लीजिए और अमेज़ॉन में सबसे पहले अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अमेज़ॉन का वेयर हाउस में आपका एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है आफ्टर स्टडी वर्क परमिट के लिए। और आफ्टर वर्क परमिट के बाद अगर आप लोग PR के लिए भी अप्लाई करोगे अमेज़ॉन का एक्सपीरियंस आपको बहुत हेल्प करेगा आपको वीज़ा एक्सटेंड करने में और PR लेने में, ठीक है। सबसे पहले क्या करें कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन का वर्क ख़त्म हो जाता है आप अमेज़ॉन में अप्लाई कैसे करें कि आप नॉर्मल गूगल पे सर्च करोगे अमेज़ॉन जॉब, अमेज़ॉन का एक पेज खुलेगा, वहाँ पेज में आपको लिखना है पोजीशन मांगेगा, लेकिन पोजीशन मत लिखिएगा, नॉर्मल आप सिटी का नाम लिख लीजिए जो जहाँ पे आप यूके में रहते हो, ठीक है। और वहाँ सर्च करोगे हर एक सिटी आपको दिख जाएगी वहाँ पे, आप अपनी सिटी का नाम सर्च कर लीजिए, अदरवाइज आपके नज़दीक में कोई जगह पे कौन सा अमेज़न का बड़ा वेयर हाउस है वहाँ पे सर्च कर लीजिए और वहाँ पे नॉर्मल अप्लाई नाउ कर लीजिए। अप्लाई नाउ में वो लोग आपका सिर्फ बेसिक डिटेल मांगेंगे, आपका एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा, डॉक्यूमेंटेशन में आपका CV होगा लाइक BRP कार्ड होगा, पासपोर्ट होगा, अपलोड कर दीजिए, ठीक है, और अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद कुछ टाइम के बाद वो लोग आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे एज अ मेल थ्रू, और वो लोग इंटरव्यू अरेंज करेंगे। ये अमेज़ॉन में ऐसा होता है प्रोसेस। अभी इंटरव्यू लाइक फेस टू फेस इंटरव्यू तो अभी बंद है कोविड की वजह से, पता नहीं शायद चालू कर दे, बट कैसा होता है कि वो लोग आपको लाइक अमेज़ॉन ऑनलाइन इंटरव्यू ले आपका, ठीक है। ऑनलाइन इंटरव्यू भी ऐसा लाइक फेस टू फेस ही इंटरव्यू होता है, वो लोग आपसे इंटरव्यू में लाइक बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाई यू चूज द अमेज़ॉन, ठीक है, अमेज़ॉन में अगर फिर अमेज़ॉन के बारे में आपको क्या क्या पता है, आपको कहाँ से रेफरेंस मिला और आप किस तरह से काम कर सकते हैं अमेज़ॉन में, किस तरह से अमेज़ॉन को हेल्प कर सकते, वो सब आपको बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद वो लोग पूछेंगे कि आपको कौन सी शिफ्ट पसंद है, लाइक आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट में आप लाइक 20 आवर्स नाइट शिफ्ट भी कर सकते हैं और 20 आवर्स डे शिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, और जो वर्क परमिट पे आए वो लोग तो 40 आवर्स फुल टाइम कर सकते हैं। आपको ये बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, आपको जो भी इंटरेस्ट है वो आप बता दीजिएगा, और अगर उनके पास ऑप्शन अवेलेबल हो गए शिफ्ट के तो वो लोग आपको शिफ्ट के ऑप्शन देंगे, और वो आप ऑप्शन उस तरह से डिसाइड कीजिएगा कि आप आपकी कॉलेज के भी मतलब स्टडी के वीकली 3 दिन होते हैं, उसके अलावा 2 दिन आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। वो लोग ऑब्वियसली आपको मना नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग को भी पता है कि अभी सब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। वो अप्लाई कर देने के बाद आप बस वेट कीजिए, आप वेट करने के बाद वो लोग आपको फिर से कॉन्टेक्ट करेंगे और फिर बुलाएंगे। ये सब प्रोसेस विद इन लाइक 15 और 20 डेज के अंदर हो जाता है, आपको बुलाएंगे सीधा अमेज़ॉन के वेयर हाउस में, आपका क्रॉस वेरिफिकेशन लाइक एज अ डॉक्यूमेंटेशन वो करेगा, लेकिन आप सब डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा,
वहाँ पे हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंट आप जो भी आपने अपलोड किया था वो वहाँ पे दिखाई है। दिखाने के बाद वो लोग वहाँ पे अप्रूवल देंगे। अप्रूवल देने के बाद ऑब्वियसली आपने जो 2 दिन सिलेक्ट किए हुए वो ऑब्वियसली वो लोग बोलेंगे कि अच्छा ये दिन से आप स्टार्ट कर सकते हो। सो ये अमेजोन में क्या होता है कि पर डे 10 आवर की शिफ्ट रहता है। सो बहुत अच्छा है, 2 दिन आपने काम कर लिया, दैट सीट आपको अच्छा है। और बाकी के आपको 4 दिन मतलब आपको यूनिवर्सिटी भी आप हैंडल कर सकते हो, यूनिवर्सिटी का स्टडीज से लेके बहुत आपको वर्कलोड होगा, आप इजिली कर सकते हो। और हाँ, और अमेजोन में ये सब कुछ हो जाने के बाद अब पे की बात करता हूँ। अमेजोन में पे ऑब्वियसली बाकी सब नॉर्मल वेयर हाउस से काफ़ी हाई रहता है। अभी अमेजोन का वेयर हाउस का पे मतलब नॉर्मल वेजिस है 10.40 पाउंड पर आवर, 10.40 पाउंड पर आवर ये अमेजोन का पे है। अभी स्टूडेंट के लिए भी है और ये जो वर्क परमिट पर आए हुए हैं जो मतलब फुल टाइम जॉब करते हैं या फुल टाइम अगर अप्लाई करते हैं अमेजोन में, सो उनके लिए भी सेम ही सेम पे रेट वेजिस रेट होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है। और उसके बाद ये 2 दिन में आपका 20 आवर्स खत्म हो जाने के बाद ऑब्वियसली अगर आप सब लोग जानते हैं कि अगर आपको एक्स्ट्रा अर्निंग करना हो सो आप लोग लाइक कैश इन हैंड लाइक जॉब यहाँ पे बहुत सारी मिल जाएगा, बट उसके लिए आपको टाइम चाहिए होगा। इसीलिए अमेजोन में 2 दिन करने के बाद आपको टाइम मिल सकता है, लाइक इवनिंग में या कभी भी आपको टाइम मिल सकता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये 10 आवर्स शिफ्ट है तो आपको 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा 20 आवर्स। सो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंटों के लिए। जो अभी आ रहे हैं वो आने के बाद सबसे पहले ये चीज़ कीजिएगा, अमेजोन में अप्लाई कर दीजिए। और अमेजोन में अगर आप कंटिन्यू 2 साल आपके स्टडी जब तक चल रही है तब तक रहे, उसके बाद आप फुल टाइम कर ही सकते हो। और वो तब तक आप एज आई थिंक सो वो लाइक परमानेंट परमानेंट कर देंगे। वो करने के बाद आप 2 साल या 3 साल कंटिन्यू अमेजोन में रहेंगे और आपने जो भी स्टडी किया हो उसके बेस पे आप नया CV बना के अमेजोन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। बहुत सारी वैकेंसी एवरी डे होती है, बट स्टार्टिंग में आपको वेयर हाउस ऑपरेटर ही अप्लाई करना है एज अ स्टूडेंट जो भी आए हुए हैं। और जैसे आपका स्टडी खत्म होता है और वहाँ पे वैकेंसी होती है तब तक आपका एक्सपीरियंस भी बन गया होगा 2 साल एज अ पार्ट टाइम। तो अगर आपको किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट हो तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बहुत अपॉर्चुनिटी अमेजोन में एवरी डे होती है, तो अगर वो अप्लाई कर देने के बाद आपको अच्छी पोस्ट अमेजोन में मिल जाता है और आपका वर्क परमिट अगर फिनिश होता है सो आप सीधा PR के लिए भी या एक्सटेंड वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और अमेजोन की मतलब वो आपका जॉब लेटर होता है सो वीज़ा एक्सटेंड होने में और PR होने में आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजीली मिल जाता है जिसके पास अमेजोन का मतलब जॉब लेटर हो। सो वो वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए और PR अप्लाई करने के लिए वो बहुत इजीली मिल जाता है। सो ये चीज़ अप्लाई कर दीजिएगा, उसका वेज रेट बहुत हाई होता है अमेजोन का। सो बस मुझे ये स्टूडेंटों के लिए ये इंफॉर्मेशन मुझे शेयर करना था, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे स्टूडेंट लोग UK में आ रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता कि हम लोग कहाँ पे जॉब अप्लाई करें और किस तरह की जॉब करें। आपको छोटे मोटे स्टोर में जॉब मिल जाएगा इजीली, बट वो साइड पे रख कर सबसे पहले एक बार ये अमेजोन में अप्लाई कर दीजिएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये आज की तारीख में। सो बस मुझे इतना इंफॉर्मेशन शेयर करना था आप सबसे, जो लोग स्टूडेंट के लिए आ रहे हैं वर्क परमिट के लिए आ रहे वो लोग के लिए भी बेस्ट है, कर दीजिए अमेजोन में अप्लाई, क्योंकि आज की तारीख में अमेजोन बहुत हाई लेवल पे चल रहा है UK में। ओके, सो आई होप कि जो लोग स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहेगी, जो लोग भी आ रहे हैं। और अगर जो अदर कोई और आ रहा है सो प्लीज़ उनको ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा कि यहाँ पे आने के बाद ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो अभी हम लोग यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड और अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बी सेफ।